हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई चीज जो कांस्टेंट हो, कोई चीज जो यूनिफॉर्म हो, जो चीज फिक्स हो। तो यहां पे क्या चीज कांस्टेंट होती है? मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही है, यहां पर उसकी स्पीड वी, यहां पर भी स्पीड वी, यहां पर भी स्पीड वी और यहां पे भी स्पीड भी, यानी इसकी स्पीड पूरे रास्ते चेंज नहीं हो रही। जब वो गोल गोल घूम रही है, मैंने इस जगह पे देखा स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी देखा 5 मीटर पर सेकेंड और यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड और नीचे भी। तो क्या चीज यूनिफॉर्म है? स्पीड। स्पीड रिमेन्स सेम, तो स्पीड इज यूनिफॉर्म। पर एक चीज ध्यान से देखिए, इस स्पीड का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। शुरुआत में बॉडी ऊपर जा रही है, थोड़ी देर बाद राइट में, फिर डाउनवर्ड्स और फिर राइट में, पहले लेफ्ट में, मतलब लगातार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। तो स्पीड तो फिक्स है, पर डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, पर यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, यहां 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में और यहां 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में। इस तरह से स्पीड तो सेम है पर उसका डायरेक्शन चेंज। जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, देन चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से क्या चीज आती है? एक्सेलरेशन। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी वी विल गेट एक्सेलरेशन। अब ये जो पर्टिकुलर तरह का एक्सेलरेशन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या डायरेक्शन होता है उसका? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। हम सर्किल के किसी भी पॉइंट पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन देखें तो वो सेंटर की तरफ जाता हुआ, किस तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर। किधर? टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इस सर्किल का रेडियस। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई और डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, वैल्यू वाइज तो कांस्टेंट है, क्योंकि वैल्यू कितनी है? वी स्क्वायर अपॉन आर और वी पूरे रास्ते चेंज नहीं हो रहा, आर भी कांस्टेंट, बट इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू तो सेम है, हर जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? सेम, जैसे दो 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 दो, पर डायरेक्शन चेंज। यहां पे देखो एक्सेलरेशन इधर जा रहा है राइट में, यहां एक्सेलरेशन नीचे, यहां एक्सेलरेशन लेफ्ट में और यहां भी एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। सो एक्सेलरेशन इज अगेन कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजिंग इन डायरेक्शन। तो ओवरऑल द एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज यूनिफॉर्म है? स्पीड। वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अब जहां पे भी एक्सेलरेशन होता है वहां पे आ जाती है फोर्स। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एमवी स्क्वायर बाई आर। कौन सी फोर्स है ये? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स। कोई पूछे हमसे सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? वही जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स भी किधर लगेगी? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और कैसे? अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग। तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? फिर वही बात, ये फोर्स कांस्टेंट है किसमें? मैग्नीट्यूड में। मास कांस्टेंट, वी स्क्वायर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो इस फोर्स की जो वैल्यू होगी 10 न्यूटन कॉन्स्टेंट। पर इस फोर्स का भी क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। टुवर्ड्स द सेंटर तो है फोर्स, पर हर बार डायरेक्शन चेंज, पहले इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। तो फोर्स भी कॉन्स्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कॉन्स्टेंट है? सिर्फ स्पीड। अब आप समझना चाहेंगे कि एक्चुअली सेंट्रीपेटल फोर्स थी कहां, आज तक क्यों नहीं पढ़ा। तो एक हमने सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख दिया, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, कोई भी सर्कुलर मोशन हो,
सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, कोई भी सर्कुलर मोशन। जैसे हमने देखा अर्थ सन के अगल बगल रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ सन के अगल बगल रिवॉल्व क्यों करता है, क्योंकि अर्थ को सन अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो मासेस के बीच में होती है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसे, यहां से ऐसे, इस जगह पर ऐसे, इस जगह पर ऐसे, जब अर्थ यहां आएगा तो ऐसे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी किधर लग रही है? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने क्या बोला? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। यानी यही ग्रेविटेशनल फोर्स इस टाइम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया तरीके का फोर्स नहीं है। हमने जहां कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ी थी वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम नहीं था, ना ही नॉन कॉन्टैक्ट में नाम था। मतलब ये फोर्स तो पुरानी ही पड़ी हुई होगी, और जब वो फोर्स कौन सी, कोई भी, किधर लग रही हो? टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया, एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रही है? बार बार टुवर्ड्स द सेंटर। यानी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक तीसरा एग्जांपल लिया है हमने कि हमने एक स्ट्रिंग ली, उसमें एक स्टोन बांधा, स्ट्रिंग में स्टोन बांधा और उसको जूम 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 घुमाने लगे। तो ये स्टोन जो घूम रहा है, स्टोन को ध्यान से देखो, एक बार स्टोन को इमेजिन करो, ये इस स्टोन को अंदर की तरफ एक फोर्स खींच रही है। स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होती है? टेंशन की फोर्स। और किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना हो तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ये टेंशन की फोर्स भी किधर जा रही है? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो इस मोशन में स्टोन का कौन सा मोशन है? सर्कुलर। तो एक फोर्स डेफिनेटली सेंटर की तरफ होगी, कौन सी है? टेंशन फोर्स। और जो फोर्स सेंटर की तरफ है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स सर्कुलर मोशन में किधर लग रही हो? टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम क्या बोल देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।